नहीं मैडम, कह रही हमारा सपोर्ट आपके साथ है। वो तो नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह धरने पर बैठे हुए हैं। वजह है वो संसद के पूरे सत्र से उनकी बर्खास्तगी। लेकिन जब उनसे मिलने सोनिया गांधी पहुंची तो वीडियो वायरल हो गया, चर्चा का बाजार गर्म हो गया। ऐसा क्या खास था इस मुलाकात में बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए। संसद में अनुशासनहीनता के चलते पूरे मॉनसून सत्र से सस्पेंड किए गए राज्यसभा सांसद पिछले दो दिनों से संसद के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अब तक जो पॉलिटिकल डिस्टेंस नजर आ रहा था वो इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि थोड़ा सा कम हुआ है, खत्म हुआ है, और कोशिशें दोनों ओर से हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों में बेंगलुरु में विपक्ष की बड़ी मीटिंग के दौरान केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के साथ स्टेज पर हाथ मिलाया था। वैसे आपको बता दें, आप सांसद संजय सिंह सदन की कार्यवाही के दौरान सभापति के घेरे में पहुंच गए थे। संजय सिंह का कहना था कि वो मणिपुर के मुद्दे पर बहस कराने की बात कहने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए पूरे मॉनसून सत्र के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया। इसी के विरोध में संजय सिंह दो दिनों से संसद के बाहर धरने पर बैठे हैं। संजय सिंह से मिलने वालों में सोनिया गांधी इकलौती राजनेता नहीं है, उनके अलावा कांग्रेस के शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे भी संजय सिंह से मिलने पहुंचे थे। हाल ही में विपक्ष ने एक नए संगठन इंडिया का ऐलान किया, जिसके बाद से ही विपक्षी पार्टियां एक दूसरे को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब सोनिया गांधी का अचानक संजय सिंह से मुलाकात करना राजनीति के गलियारे में सत्ता पक्ष को एकता का संदेश तो जरूर दे गया है। आपके लिए इस खबर की स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने। आपकी क्या राय है इस पर, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है सोनल, देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।